33वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बिहार के पटना में हाल ही में आयोजित की गई। इसमें हिमाचल की अंडर 16 लड़कियों की कबड्डी टीम क्वार्टर फाइनल मैच में हरियाणा से हार गई। हिमाचल की कबड्डी टीम में कन्या स्कूल हमीरपुर की छात्रा वसुधा गुलेरिया ने भाग लिया। नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेकर जैसे ही वसुधा गुलेरिया मंगलवार को स्कूल पहुंची तो खिलाड़ी का स्कूल स्टाफ व प्रधानाचार्य ने हार पहनाकर स्वागत किया। स्कूल प्रधानाचार्य पूनम चौहान ने इसके लिए होनहार छात्रा वसुधा गुलेरिया, उनके कबड्डी कोच पूर्ण सिंह कटोच और स्कूल के डीपी राजेंद्र शर्मा को बधाई दी है। इसके अलावा स्कूल के सभी स्टाफ को भी इसकी शुभकामनाएं दी गई हैं। नाम वसुधा गुलेरिया है और मैंने बहुत इधर से प्रैक्टिस की थी गर्ल्स स्कूल से, और हमारे जो कोच थे वो पूर्ण सर थे और डीपी सर भी थे, उनका नाम राजेंद्र सर है। और मैंने ट्रायल दिया था ओपन का बिलासपुर में, और वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई थी एज अ प्लेयर। और उसके बाद हमारा कैंप भी लगा था बिलासपुर में 22 से लगा था मार्च में, और वहाँ पर जो हम पटना गए थे बिहार में, और वहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी जैसे कि 31 से लेके 3 अप्रैल तक था हमारा टूर्नामेंट। और हमने पहले मैच खेले तो हम जीत गए थे 2 मैचेस में, और थर्ड मैच जो था हमारा था हरियाणा से क्वार्टर फाइनल, जो कि हम हार गए थे वहाँ पर जाके। और बड़ी खुशी होती है जैसे कि हम गए थे नेशनल में, और फर्स्ट टाइम था मेरा नेशनल में जहाँ पर हम गए थे, और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। ड्रीम है कि इंडियन प्लेयर, मतलब इंडियन प्लेयर बनूँ और वहाँ पर जाके खेलूँ, और बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, तो वो भी करेंगे। और अभी सोचा अब स्कूल से ही करेंगे स्टार्टिंग, और पूर्ण सर लेंगे हमारी जिम्मेवारी तो वही करेंगे आगे स्टार्टिंग। कबड्डी तो मैंने ऐसे 9th क्लास से ही की थी स्टार्ट, पूर्ण सर ने करवाई थी प्रैक्टिस। उससे पहले भी एक टूर्नामेंट गया था 6th में हमारा प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पर भी हम पहली बार हार गए थे। और 9th में अंडर 14 में हमने खेला था, तो हमारी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो थी हम तो विनर रहे थे, और उसके बाद स्टेट में हम हार गए थे। फिर अंडर 19 में हमने खेले थे और वहाँ पर हमारी जोनल भी विनर रही थी और डिस्ट्रिक्ट भी। मेरिया हमारे स्कूल की प्लस वन की उभरती हुई एक होनहार खिलाड़ी है। ये अभी हाल ही में पटना बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आई और हमारी टीम अंतिम 8 में जगह बनाने में सफल हुई। मैं इसके लिए अपनी इस छात्रा को, इनके कोच पूर्ण सिंह जी को और अपने विद्यालय के डीपी सर राजेंद्र शर्मा जी को बधाई देती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि ये हमारी बच्ची आगे भी इसी तरह हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। मैं अपने समस्त विद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से इस छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। नेशनल लेके गया था 13 से 16, वो भी पटना में हुई थी, तो वहाँ भी हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में हारी, यह भी क्वार्टर फाइनल में। अब इस बार क्या है कि हिमाचल का डंका बजा हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे इंडिया में, क्योंकि 38 टीमें आती है, 38 स्टेटें आती है। उनमें पहले क्या होता था कि हिमाचल की टीम को लोग ऐसे समझते थे, राम टेरे पर हमें डाल लो हमारे। अब क्या जाता है, जब फिक्चर डलता है तो पहले लोग करते हैं कि हिमाचल की टीम को ऐसा साइड में कर। और एक लड़का संदीप अभी खेल के आया सीनियर नेशनल बॉम्बे में, अभी वो 24 से 25 खेल, 24 से 26 तारीख तक यहाँ मार्च में बॉम्बे में नेशनल सीनियर नेशनल हो, तो एक लड़का वहाँ खेल के आ गया। और 2 लड़के जो अंडर 20 में पहले टीम लेके गया था इसकी अंडर 20 की, उसमें हमारी 3rd प्लेस आई हिमाचल प्रदेश की लड़कियों की, तो वहाँ भी हमारी एक इस्ता लड़की और एक चंदन, दोनों लड़के और लड़कियाँ खेल के आए। तो हमारे लिए इस वर्ष अच्छा रहा कबड्डी का, और कबड्डी के क्षेत्र में हमारा बहुत ही बढ़िया है। अभी हाल ही में थोड़ी दिनों में यहाँ एक इंटर कॉलेज हुए HPTU की, तो उसमें भी मेरी टीम जो कबड्डी की बॉयज़ एंड गर्ल्स की दोनों ही टीमें विनर आई, और इंटर कॉलेज में हमारी जो यहाँ हमारी 62 टीम्स आई हुई थी, तो उसमें हमारा 4th प्लेस थी इंटर कॉलेज जो गौतम कॉलेज ने करवाया। तो इस बार हम कबड्डी में काफ़ी अच्छा रिस्पांस हो रहा है, और लोग भी खेलना चाह रहे हैं, और हमीरपुर के लोगों को, मैं बहुत ही कर्मठ लोग हैं यहाँ के, और मैं भी एक अच्छे एरिया, अभी अंडर हमारा अंडर 16 का टूर्नामेंट होगा, उसको सब जूनियर भी बोलते हैं, सब जूनियर में पटना में खेल के आए हैं, क्वार्टर फाइनल में हारे हरियाणा से। बहुत ही अच्छी है प्लेयर है हमारे,
बसदा का पहले से अच्छा है, दो तीन साल से मेरे पास ट्रेनिंग कर रही है। और वह पिछले साल अंडर 14 में जब इनकी टीम गई तब भी डिस्ट्रिक्ट विनर थी, अब अंडर 19 में, अब ये 9th में है तब भी इसकी टीम विनर है। और ये अच्छी है लड़की है, बहुत मेहनती है, ये होनहार लड़की है, कल को कुछ भी इंडिया के लिए प्रजेंट कर सकती है, क्योंकि पहले भी यहाँ से एक दो लड़कियाँ जो इंडिया कैंप लगा चुकी है, यहाँ सुमना देवी जो है यहाँ इसी स्कूल से पहले इंडिया कैंप लगाए 2004 में, अब इसकी तैयारी है, ये बहुत ही अच्छी है और हमारा इस वर्ष बहुत ही अच्छा रहा। इससे पहले मैं दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर CBSE से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉगिन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर।